Hey guys, welcome back. So in this particular video, we are going to talk about general question asked in bank PO examination. So what I mean about general question hote kya hai? Basically, the motive behind this particular question is किसी भी candidate का जो view point है किसी भी subject या किसी भी topic के regarding, right? So here, like I'll show you some topic और definitely examiner और the interviewer board जो कि आपको कुछ general question जरूर पूछने वाला है. So ये general question basically कई बार क्या होते हैं, कई बार वो controversy oriented हो सकते हैं, या फिर कोई भी आपका national level का अगर कोई चीज चल रहा है या कोई international level का चीज आपका चल रहा है, तो कैसे आपको इन questions को tackle करना है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं आने वाले इंटरव्यूज में. ओके सो मैं आपके साथ एक लिस्ट शेयर करने वाला हूं. मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही क्वेश्चन आपके रहेंगे, बट हां, इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं और ऐसे टॉपिक को आप प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट. सो फर्स्ट, एज यू कैन सी, माई फर्स्ट टॉपिक इज इंडियाज स्टार्टअप कल्चर. सो इंडिया, लाइक सिंस 2015 वी आर टॉकिंग अबाउट स्टार्टअप्स इन इंडिया. So, or even we have number of unicorn companies in India. So, but the problem is, like, good thing is ki we have number of companies, number of startup. But ek samay ke baad, kahin na kahin, jo startup ka failure hai, wo kafi badh raha hai. Or even if you compare with the, international business, so kuch na kuch aapka lacking aapka rehta hai. So, what are the reason behind failures? और स्टार्टअप कल्चर को और कैसे ज़्यादा नर्चर किया जा सकता है, या ऐसे कौन से एरियाज हैं जिनके ऊपर और काम करना चाहिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्या हैं, वो सारी चीज़ें, राइट. सो आपका व्यू पॉइंट क्या रहता है स्टार्टअप के ऊपर, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कहीं ना कहीं प्रोज एंड कॉन्स जो आपको ध्यान रखने हैं. Second thing is digitalization of Indian economy. Now everywhere we generally talk about ki like jaise wo banking se related ho or ya koi bhi field aapka, education, healthcare, har jagah aapka online cheezon ko promote kiya ja raha hai government ke dwara. To kya reason inke piche hai aur like kaise kitna hamara success rate raha hai in particular thing mein. Jaise अगर आपको सपोर्ट करना है तो UPI एक बहुत बड़ा एग्जांपल बन जाता है बैंकिंग सिस्टम के लिए, और जो काफ़ी बड़ा आपका सक्सेस गेन किया है लास्ट फ्यू इयर्स के अंदर, राइट. देन वी हैव स्पोर्ट्स स्कोप इन इंडिया. सो लाइक स्पोर्ट्स कैसे यूथ को या फिर जो भी हमारी पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं एक साथ बनाए रखता है, या हेल्थ बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं लूपहोल्स क्या है इंडियन सिस्टम के अंदर. लाइक इतने बड़े ओलंपिक गेम्स में बहुत लिमिटेड प्लेयर्स आपका पार्टिसिपेट करते हैं, या फिर नंबर इवन आपका इंक्रीज हुए तो जो मेडल है वो काफ़ी लिमिटेड हैं. सो क्या क्या चीज़ें आपके रहें, इंडिया की स्पोर्ट्स पॉलिसी कैसी है, इन सारी चीज़ें. देन वी हैव वन नेशन वन बैंक, बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में रिलेट किया जा रहा है, वन नेशन वन बैंक, वन नेशन वन कार्ड. सो ये सारी चीज़ें, तो ये जो पॉलिसी है, तो बैंकिंग है तो मे बी एग्जामिनर आपको वन नेशन वन बैंक के रिगार्डिंग आपका व्यू पॉइंट पूछ सकते हैं. सो आपको इसके ऊपर अपना आंसर प्रिपेयर रखना है. सो लाइक ये जितने भी जनरल क्वेश्चंस हैं, द वन थिंग इज अबाउट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, लाइक एग्जामिनर कहीं ना कहीं आपको इनमें फंसाने की कोशिश करेंगे, राइट. सो आपको इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं रखना है. द थिंग लाइक जो चीज़ मैटर करता है, ठीक है, सो दैट इज लाइक व्हाट इज योर व्यू पॉइंट. एंड आई विल सजेस्ट फ्यू थिंग्स कि जो आपका व्यू पॉइंट है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, फर्स्ट थिंग, एंड किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा हो, ठीक है. सो बिकॉज लाइक यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, और इवन लाइक यू कैन नॉट से अबाउट सम पॉलिटिकल पार्टीज इन ऑल. सो कहीं ना कहीं जो मैनिपुलेशन वाली जो टेक्निक्स होती है वो आपको यहाँ पर आना जरूरी है. देन वी हैव प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक. सो पिछले कुछ समय में कुछ बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन आपका हुआ, या यू कैन ऑल्सो से द मर्जर्स ऑफ बैंक, जो मर्जिंग आपका हो रहा है, ठीक है. दिस इज लाइक वी कैन से सिमिलर टू दैट वन नेशन वन बैंक कॉन्सेप्ट. तो आप इनको थोड़ा सा प्रिपेयर कर सकते हैं. रोल ऑफ सोशल मीडिया. सो आज के डेट में सोशल मीडिया का रोल काफ़ी ज़्यादा बड़ा है. सो प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हो सकते हैं इसके, ठीक है, कैसे छोटे छोटे बिजनेस, छोटे छोटे आइडियाज़ को नेशनल या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे सोशल मीडिया पहुंचाने में हेल्प करता है, छोटे छोटे इश्यूज़ को आपका हाईलाइट करता है. सो अब
ये तो प्रोज साइड है, कॉन्स में अगर आप देखते हैं कई बार जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं पास ऑन होती है सोशल मीडिया के थ्रू, तो प्रोज एंड कॉन्स और आपका व्यू पॉइंट कैसे है, किस तरीके से आप सोशल मीडिया का बेटर यूज कर सकते हैं सोसाइटी के लिए, आपका बैंक्स के लिए या बिजनेस के लिए, राइट। देन लास्ट ईयर में एक कॉन्सेप्ट 4 days वर्क पर वीक, देयर आर नंबर ऑफ कंट्रीज हु अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर सिस्टम एज वेल, सो आपको उन कंट्रीज का नाम भी याद रखना है। इफ़ यू अप्लाई इन इंडियन बैंकिंग सिस्टम सो और इवन इन इंडियन कॉर्पोरेट हाउसेज, तो क्या क्या चीज़ें आपकी हो सकती हैं तो उनको थोड़ा सा समझें। क्लाइमेट चेंज अगेन ये एक इंटरनेशनल इशू है और अभी से नहीं बल्कि काफ़ी लंबे समय से। सो क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या चीज़ें हो रही है, इंडिया का एक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। सो वेन एवर वी टॉक अबाउट जनरल क्वेश्चन, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर जनरल क्वेश्चन फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज, राइट। तो आप कभी भी ये नहीं कर सकते कि यार मैं ये पढ़ूंगा तो यही आएगा, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, जो भी रिसेंट आपका चल रहा है उन सब के ऊपर हो सकता है। बट जनरल क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूअर, जिससे वो आपका जो मेंटल कंडीशन है, ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति आपका कैसा है, आप कितना सोच सकते हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, वो सारी चीज़ों को टेस्ट करते हैं। सो एचआर राउंड के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और द ओनली थिंग इज लाइक फॉर अ बैंक इंटरव्यू, फॉर अ पीएससी इंटरव्यू, आई वुड सजेस्ट कि कभी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको नहीं बोलना है, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना है, ना ही किसी थॉट को आपको सपोर्ट करना है। यू जस्ट लाइक यू कैन गिव योर आंसर, योर व्यू पॉइंट्स, और अगर आपको फंसाते हैं नो वरी, जस्ट पास अ स्माइल एंड यू कैन सरेंडर दैट पर्टिकुलर वन। होप गाइस ये लाइक व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन मेंशन इन कमेंट सेक्शन और इवन यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप ऑन दिस पर्टिकुलर गिवन नंबर। इफ यू नीड एनी हेल्प फॉर योर इंटरव्यू प्लीज फील फ्री टू रीच। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर ऑल, आई विल कम विद सम न्यू वीडियोज दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर अपकमिंग एचआर राउंड और अपकमिंग इंटरव्यूज। सो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज डू subscribe and press the bell icon for regular update. Thank you guys.